प्रदेश का स्टोरी टाइम। मैं रौनक हूँ। और मैं चंचल। और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आज मैंने एक सुंदर सपना देखा है। तो बच्चों, सपने तो आप भी देखते होंगे, क्यों? ठीक कह रही हूँ ना मैं? और अपने सपनों में कभी आपने चांद के रथ पर बैठकर आसमान की सैर भी की होगी, कभी आपने तारों के साथ आँख में चौली का खेल खेला होगा, और कभी कभी गार्डन के ब्यूटीफुल फ्लावर्स के साथ झूम झूम कर डांस भी किया होगा, और कभी कभी प्यारी परी से पंख उधार लेकर फेरीलैंड की जादुई दुनिया भी देखी होगी। तो बच्चों, आपकी तरह एक प्यारा सा बच्चा है, उसका नाम है अक्कू। अक्कू ने भी आज रात को एक ड्रीम देखा है। क्यों, उसका ड्रीम सुनने का मन कर रहा है ना? तो चलिए हम साथ में सुनते हैं अक्कू ने आज अपने ड्रीम में क्या देखा है। माँ माँ, आज रात मैंने एक सपना देखा। क्या देखा बेटा? मैंने सपने में एक रैबिट देखा था। उस रैबिट ने एक लंबी हेड लगाई हुई थी और हाँ, हाथ में एक बुक भी ली हुई थी। अरे वाह, बड़ा स्मार्ट था तुम्हारा रैबिट तो। मैं उसको देखकर छिप गया, पर उसने बड़े प्यार से मुझे अपने पास बुलाया और पूछा, What is your name, little boy? मैंने झट से बता दिया, My name is अक्षर। वह बहुत हैप्पी हो गया और उसने मुझे एक टॉफी दी। रैबिट ने मुझसे फिर पूछा, How old are you? मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं चुप हो गया। फिर उसने मुझे एक भी टॉफी नहीं दी। ओहो, कोई बात नहीं बेटा, आज रात वही सपना फिर से देख लेना और उसी रैबिट को सारे आंसर दे देना और टॉफीज ले लेना। पर मुझे तो आंसर आते ही नहीं हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी दीदी आ रही है ना, वो तुम्हें सब सिखाएगी। What happened, Akku? Why are you so upset? दीदी, मुझे आपके जैसा इंग्लिश बोलना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलो हम साथ साथ सीखते हैं। Let's learn together। अच्छा अक्कू, अगर मैं आपसे पूछूं, How old are you? You have to simply reply like this, I am 7 years old। अब बताओ, How old are you? I am 7 years old। Good, that's like my sweet brother। Wow दीदी, मैं तो सीख गया। एक क्वेश्चन और प्लीज। ओके, वेट, अगर मैं आपसे पूछूं, In which class do you study? You will reply,
आई स्टडी इन क्लास टू. नाउ इट्स योर टर्न अंकू. इन विच क्लास डू यू स्टडी? आई स्टडी इन क्लास टू. That's wonderful. You are so intelligent. तुम तो बहुत जल्दी सीख गए मेरे प्यारे अक्कू. अब मैं आज रात को रैबिट से सारी टॉफीज ले लूंगा. हे हुर्रे, मैंने सब सीख लिया. उन दोनों की बातें पास में खड़ी उनकी माँ सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी. उस रात अक्कू और उसकी दीदी सो रहे थे. तो उनकी माँ ने देखा अक्कू कुछ बुदबुदा रहा था. तो चलिए सुनते हैं अक्कू क्या मंबल कर रहा था. My name is Akshat. I am 7 years old. I study in class 2. I live in Amarpur. My school's name is Primary School Amarpur. उसकी इस लगन को देखकर अक्कू की माँ ने चुपचाप ढेर सारी टॉफीज उसके पिलो के नीचे रख दी. और सुबह होने पर अक्कू अक्कू उठ, स्कूल नहीं जाना है क्या? जाना है ना दीदी, आज तो मैं जरूर जाऊंगा. आज मैंने रैबिट के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं और उसने मुझे ढेर सारी टॉफीज दी हैं और ये टॉफीज मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगा. टॉफीज? कहाँ है तेरी टॉफीज? यही तो थी मेरे पास, कहाँ गई? क्या हुआ अक्कू? Why are you crying? माँ, मुझे रैबिट ने बहुत सारी टॉफीज दी थी, पता नहीं कहाँ गई. कहीं नहीं गई होगी, अपने बेड पे ढूंढो जाकर. यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बेड के नीचे भी नहीं है, कहाँ ढूंढूं? ये क्या है पिलो के नीचे? हे, मिल गई मेरी टॉफी. हे, अक्कू की दीदी और माँ पास में खड़े होकर मुस्कुरा रही थीं और अक्कू खुशी से नाच रहा था और गा रहा था.